सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसवें पातशाह साहिब कमाल सरबंस दानी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चार सपुत्र सन। आप जी के वड्डे साहिबजादियां का नाम बाबा अजीत सिंह जी अते बाबा जुझार सिंह जी सी। छोटे साहिबजादे बाबा जुरावर सिंह जी अते बाबा फतेह सिंह जी सन। बाबा अजीत सिंह जी जिन्हों का जन्म 7 जनवरी 1687 ईस्वी को पौंटा साहिब विखे होया, उन्हां तो छोटे बाबा जुझार सिंह जी जिन्हों का जन्म आनंदपुर साहिब विखे माता जीता जी की कुखों 1699 नूं होया। बचपन तो ही इन्हां साहिबजादियां नूं दुनियावी अते धार्मिक विद्या दे नाल नाल शरीरक कसरतां, घोड़सवारी, शस्त्र विद्या, तीरंदाजी अते तरह तरह के हथियारां दी सिक्ख्या 94 सिख योधियां अते पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब तो प्राप्त हुई। साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी ने 1699 ईस्वी विच खालसा साजना समय पंजां प्यारियां कोलों अमृत दी दात प्राप्त कीती। साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी बचपन तो ही बहुत शक्तिशाली, नीडर अते कुशल योधे सन। श्री आनंदपुर साहिब दी धरती उत्ते गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह जी अते माता गुजर कौर जी दे लाड प्यार दी छां हेठ समां बतीत हुंदा गया। फिर सन 1704 ईस्वी में श्री आनंदपुर साहिब नूं मुगल फौजां अते पहाड़ी राजियां वल्लों वड्डा घेरा पाया जांदा है। श्री आनंदपुर साहिब दी 7 महीनों तक घेराबंदी की जाती है। 20 दसंबर सन 1704 ईस्वी नूं दसवें पातशाह संगतां दे कहन ते श्री आनंदपुर साहिब का किला छड्ड दिंदे हन। अतविचारी रात नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु परिवार ते सिख संगतां नाल हजे सरसा नदी तों कुछ दूर ही पुजे सन कि मुगल फौजां ते पहाड़ी राजियां ने गऊ दीआं कसमां अते कुरान दीआं सगंधां भुल के पिछों भयंकर हमला बोल दिता। उस समय सरसा नदी विच भयंकर हड़ आया होया सी। मुगल फौजां अते गुरु दीआं फौजां विचाले सरसा किनारे भयानक जंग होई। इत्थे दसवें पातशाह दा परिवार 3 हिस्सों विच वंडिया गया। सरसा नदी नूं पार करके गुरु गोबिंद सिंह जी अते वड्डे साहिबजादे केवल 40 सिंघां समेत चमकौर दी कच्ची गढ़ी विच पुजे। यह चौधरी बुद्ध चंद दी गढ़ी नुमा हवेली सी। इस गढ़ी विच रुक के दुश्मन दल दा मुकाबला करन दा फैसला दसवें पातशाह ने कीता। रात नूं मुगल फौजां ने गढ़ी नूं घेरा पा लिया। अगले दिन इत्थे 40 सिंघां अते 2 साहिबजादियां ने डट के मुकाबला कीता। गुरु दे सिंह तीरां दी सहायता नाल दुश्मन नूं गढ़ी तों दूर रखन विच सफल रहे। जब तीर मुक्कन ते आ गए तां दुश्मन गढ़ी दे नेड़े आ पुजे तां गुरु दे सिंघां ने बाहर निकल के दुश्मन दा टाकरा करन दा फैसला कीता। 5-5 सिंघां दे जथे बना के सिंघ मैदानी जंग विच जा के दुश्मनां दे आहू लाउण लगे। वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मनां नाल जूझण लई गुरु पिता तों आग्या मंगी। सतगुरु जी ने अपने हत्थीं बाबा अजीत सिंह जी नूं शस्त्र सजा के 5 सिंघां समेत दुश्मन नाल जंग लड़न लई गढ़ी तों बाहर भेज दिता। गढ़ी तों बाहर निकलदिआं ही बाबा अजीत सिंह जी वैरी दल ते शेर वांग टुट के पै गए। बाबा अजीत सिंह जी शस्त्रां दे करतब विखाउंदे होए दुश्मनां दे आहू लाउंदे गए। त्यों त्यों गढ़ी विच खड़े साहिबजादे जुझार सिंह जी चढ़ती कला विच आउंदे गए। वड्डे वीर नूं शहीद हुंदिआं वेख साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी ने गुरु पिता अगे बेनती कीती, पिता जी मैनूं भी आग्या बख्शो तां जो मैं भी वड्डे वीर वांग दुश्मनां दे आहू लाउंदिआं होइआं सिंघां दे मोढे नाल मोढा डाह के शहीदी पा सकां। पिता जी छेती आग्या बख्शो, मैं भी शहीद होना है। बाबा जुझार सिंह जी दीआं बहादरी दीआं गल्लां सुन के पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी प्रसन्न हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप बाबा जुझार सिंह जी नूं शस्त्र सजा के मैदानी जंग लई विदा कर दिता। बाबा जुझार सिंह जी
जयकारे गुजाउंदे हुए गढ़ी तो बाहर निकले अते पंजा सिंघां समेत वैरियां ते टुट के पै गए। बाबा जुझार सिंह जी ने वैरियां दे सीने तीरां नाल विन्नने शुरू कर दिते। बाबा जी दे बहादुरी दे जौहर देख के वैरियां नूं भाजड़ पै गई। उधर गुरु पिता गढ़ी विचों वैरियां नूं तीरां नाल विन्न रहे सन। बाबा जुझार सिंह जी ने अपनी श्री साहिब म्यान विचों तू लई अते वैरियां दे डकरे करन लगे। इस तरह बाबा जुझार सिंह जी मैदानी जंग विच वैरियां नाल जूझते हुए शहीदी पा गए। उपर गढ़ी विच खड़ी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा जुझार सिंह जी नूं शहीदी पाउंदियां वेख अकाल पुरख दा शुकराना कीता। सरबंसदानी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गी कुरबानी संसार दे किसे इतिहास विच अजही मिसाल नहीं मिलती कि किसे रहबर ने अपने बच्चियां नूं शहीद हुंदा देख अकाल पुरख दा शुकर कीता होवे। साडा फर्ज बनता है ऐसे महान योद्धियां दियां महान दास्ताना अपने परिवार अते अपने बच्चियां नूं जरूर सुनाईयां जान तां जो साडे बच्चे इतिहास नाल जुड़े रहन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।